सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी AYC के चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी AYC। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी के नोट 7 की, करेंगे अनबॉक्सिंग, दिखाएंगे उसका फर्स्ट लुक और इस वीडियो में हम उसके बारे में फुल रिव्यू और डिटेल भी देने वाले हैं और स्पेसिफिकेशन भी बताने वाले हैं आपको कौन कौन से फीचर उस फ़ोन में मिल जाते हैं रेडमी नोट 7 में। उस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो प्लीज़ नीचे रेड बटन बजाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन का दबाना मत भूलिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और अब बात करते हैं, आप हमारी वीडियो देखकर पेटीएम कैश भी जीत सकते हैं। जी हाँ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Redmi Note 7 का बॉक्स आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, जो कि बाहरी लिखा होता है Redmi Note 7, जो हमारे पास स्टोरेज का वेरिएंट है। हमारे पास है 4GB प्लस 64GB का स्टोरेज का फ़ोन है ये हमारे पास। अभी इस बॉक्स को ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको Redmi Note 7 का फर्स्ट लुक। ये बॉक्स ओपन करते ही आपको एक मोबाइल मैनुअल गाइड देखने को मिल जाती है, उसके साथ आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है। बॉक्स को ओपन करते ही आपको सबसे पहले सिम एडाप्टर टूल देखने को मिल जाता है, उसी के साथ में कुछ मैनुअल्स और देखने को मिल जाती है और एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। इसको भी रखते हैं साइड में और चलते हैं। और क्या देखने को मिल जाता है, आपको एक केस देखने को मिल जाता है जो कि बहुत स्मूथी और सॉफ्टी केस है Redmi Note 7 का, जो ब्लैक कलर में है। जो हमने भी कलर लिया है Redmi Note 7 का वो भी ब्लैक कलर का ही लिया है। चलिए अब चलते हैं फ़ोन की तरफ और फ़ोन को निकालते हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं जो कि ये Redmi Note 7 का कलर हो है ब्लैक में जो हमने लिया है। फ़ोन को भी रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको एक USB टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है और साथ साथ आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि 5V का, जो 10,000 mAh की वोल्ट की भी सपोर्ट करता है फास्ट चार्जर के साथ। फ़ोन को स्टार्ट करते ही आपको एक फुल HD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं विद वाटर ड्रॉप नोच के साथ। और बैक की बात करें, आपको एक ग्लासी लुक बैक में देखने को मिल जाता है विद फिंगरप्रिंट स्कैनर और डुअल कैमरा के साथ। और आपको एक नीचे Redmi by Xiaomi की ब्रांडिंग भी नज़र देखने को मिल जाती है। और बैक साइड की बात करें, आपको एक पावर लॉकर देखने को मिल जाता है और एक वॉल्यूम लॉकर देखने को मिल जाता है फ़ोन को ऑन ऑफ करने के लिए। ऊपर की तरफ आपको एक 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपना एक एयरफोन लगाकर गाने सुन सकते हैं। अब चलते हैं इसके डिस्प्ले में। इसमें आपको डिस्प्ले 6.3 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है फुल HD के साथ विद वाटर ड्रॉप नोच के साथ। इसका जो कि सेल्फी कैमरा है, वाटर ड्रॉप नोच के जो सेल्फी कैमरा है, वो आपको 13 MP का देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में, Redmi Note 7 के फ़ोन में। और आपको इस डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि गोरिल्ला ग्लास का डिस्प्ले है 6.3 इंचीस का। अब इसके प्रोसेसर की बात करें, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 का स्नैपड्रैगन देखने को मिल जाता है। यह तो बहुत बढ़िया बात है जो कि Redmi ने इंडिया में लॉन्च करने वाला है स्नैपड्रैगन, इतने जो आपको इतने कम प्राइस में मिल सकता है स्नैपड्रैगन 660 Redmi Note 7 में। अब इसके OS की बात करें, इसमें आपको एंड्रॉयड पाई का वर्जन देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ आपको MIUI 10 का भी प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि इतने कम प्राइस में बहुत ही अच्छी बात है जो इसमें आपको मिल जाता है Redmi Note 7 में। अब इसके कैमरे की बात करें, आपको बैक की तरफ 48 MP प्लस 5 MP का डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है विद फ्लैश के साथ। और आपको बैक की तरफ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है फ़ोन को लॉक अनलॉक करने के लिए। इसमें आपको फेस ID का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब करते हैं इसकी स्टोरेज की बात। ये स्टोरेज है 4GB रैम प्लस 64GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आता है। हालांकि ये एक और वेरिएंट में फ़ोन आता है 3GB रैम प्लस 32GB की इंटरनल स्टोरेज। ये मतलब कि लगभग इंडिया में जो कि ये 4GB रैम प्लस 64GB की स्टोरेज वाला, ये इंडिया में प्राइस कम की 13,000 या 14,000 के बीच में ये फ़ोन हो सकता है Redmi Note 7 का। अब इसके बैटरी की बात करें, इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इतने कम प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन 660 भी देखने को मिल जाता है, 4000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। और आपको 48 प्लस 5 MP का डुअल कैमरा भी देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ आपको एक फेस ID का भी इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ़ोन को ऑन अनलॉक करने के लिए।
ये लगभग इसकी प्राइस 13 या 14 हज़ार के बीच में होने वाली है इंडिया में आने वाले टाइमों में। आगे देखते हैं इसकी कितनी प्राइस हो सकती है, क्योंकि इसमें 48 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा लग भी लगा है, इस वजह से इसकी प्राइस बढ़ भी सकती है। ताकि ये 13 या 14 हज़ार की रेंज में आए तो फ़ोन ये सैमसंग M20 को भी पीछे छोड़ सकता है। बस इतना ही था Redmi Note 7 की स्पेसिफिकेशन और फुल रिव्यू डिटेल के बारे में। आपने तो फर्स्ट लुक इस वीडियो में देख ही लिया होगा। अब बात करते हैं आप हमारी वीडियो देखकर Paytm कैश कैसे जीत सकते हैं। आपको बस इतना काम करना है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, और हमारे चैनल पर अगर न्यू हो प्लीज़ नीचे रेड बटन पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमको Redmi Note 7 की स्पेसिफिकेशन के बारे में ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। उसी कमेंट के आधार पर आप Paytm कैश जीत सकते हैं, वो भी 50 रुपये का। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।